बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पास्ता, पास्ता विद नगेट्स। ये मैंने देखे नगेट्स लिए हैं, इनको मैंने फ्राई किया था, इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पास्ता मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने एक जो है वो लहसुन लिया है, इसको हल्का सा चॉप करके 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इस में हल्का सा सौते करेंगे। देखिए गार्लिक हमारा जो है वो सौते हो रहा है। देखिए अब ये सॉस मिलेगा तो फिर हम इसमें 1/2 कप केचप का डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे 2 टीस्पून, ओरिगैनो डालेंगे, हॉट सॉस डालेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब हम इसमें केचप डालेंगे। थोड़ी सी हॉट सॉस हो जाएगी, थोड़ी इसमें थोड़ा सा सोया सॉस चाहिए, 2 टीस्पून ओरिगैनो जाएगा, 1 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसको 3-4 बॉइल आएंगे, फिर हम इसमें नगेट्स और पास्ता जो है वो ऐड कर देंगे। देखें ये हमारी जो है वो सॉस ऐसे थिक सी होनी चाहिए, देखिए थिक हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले नगेट्स ऐड करेंगे, अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। देखिए मैंने पास्ता ऐड कर दिया है, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून सीधा सॉस डालेंगे। देखिए इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप इसको चख सकते हैं, अगर आपको जो है वो सॉल्ट या मिर्च कम लग रही है आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको 1 मिनट पकने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये डन हो चुका है, इसकी एक कॉफी बहुत मजे का, मैं सभी सर्व करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पास्ता डिश आउट कर लिया है, बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।